दोस्तों, साफ और सुंदर दांत एक हेल्दी पर्सन की पहचान होते हैं। साथ ही ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। अपने मुंह के इस बेहद जरूरी हिस्से पर हम अक्सर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। ये कह सकते हैं कि जब तक दांतों में कोई तकलीफ ना हो, तब तक हम डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाते। आज का खान पान और वातावरण ऐसा है कि छोटे बच्चों के दांत भी अपनी चमक और शक्ति खो देते हैं। पहले दांतों में ज्यादा सड़न आ जाती थी तो उसे उखाड़ना ही पड़ता था, जिससे बच्चों की आँखों की रोशनी भी अफेक्टेड होने लग जाती थी। लेकिन अब अपने केविटी से खराब हुए दांतों को भी बचा सकते हैं, चाहे वे आधे टूटे हुए दांत ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। रूट कैनाल थेरेपी आज बहुत ही कॉमन हो गया है और यह दांतों की सफाई और उसको बचाने का एक प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूट कैनाल टूटे हुए दांतों पर सफल होगा या नहीं, और यह ट्रीटमेंट क्यों और किस तरह के दांतों पर किया जाता है। तो यही देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, दांतों की सड़न के बाद उनकी जो नसें होती है, अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से मर जाती है। रूट कैनाल इन नसों को एक तरह से एक्टिव करके दांतों के दर्द से आपको रिलीफ दिलाता है और दांत को फिर से यूजफुल बनाकर आपके दांत को उखाड़ने से बचाता है। अब मैं आपको बता दूं कि रूट कैनाल किस कंडीशन में करवाना चाहिए। दोस्तों, आपको तीन कंडीशन में रूट कैनाल करवाने की जरूरत होती है। नंबर एक, जब दांत के रूट के चारों तरफ पस और इन्फेक्शन हो। नंबर दो, जब दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, कुछ भी खाने या पीने से आपको ठंडा गर्म ज्यादा लग रहा हो। और नंबर तीन, एस्थेटिकल प्रोसेस के लिए। एस्थेटिकल मतलब सौंदर्य। अगर आपका दांत आधा टूटा हुआ है तो भी आप आरसीटी करवा सकते हैं या फिर उस पर कैप लगवा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ लोगों का सवाल होता है कि किस उम्र में हमें आरसीटी करवानी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता दूं, रूट कैनाल करवाने की कोई फिक्स एज नहीं होती। यूं तो दांतों में किसी भी एज में तकलीफ हो जाती है, लेकिन 6 साल के बाद ही हमारे दांत पूरी तरह से बनते हैं। हम कह सकते हैं कम से कम 6 साल के बाद ही दांत को रूट कैनाल थेरेपी दी जा सकती है। और रही बात टाइम की, इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप रूट कैनाल करा लेते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हर 3 महीने में दांत चेक करवाते रहे, दांतों में तकलीफ हो या ना हो। आप हर 3 महीने में अपने डेंटिस्ट से दांतों का चेकअप कराएं। कभी कभी बाहर से देखने से दांत जनरल लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें तकलीफ होती है। शुरू में इसका पता नहीं चलता, लेकिन बाद में तकलीफ होती है। डेंटल चेकअप इसी वजह से करवाना जरूरी होता है। अगर आपके दांतों में लगातार खाना फंसता हो तो उसे टूथपिक से बिल्कुल भी ना निकालें, इससे मसूड़ों को नुकसान होता है। और खाना फंसने की प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और 2 महीने में ब्रश बदलते रहें, क्योंकि ज्यादा पुराने ब्रश मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपना ब्रश हर 2 महीने में बदलते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।